कांग्रेस किस तरह के निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है कि उसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा मेसेज के रूप में देखा जा सकता है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पीएम मोदी की जान तक को दांव पर लगा दिया। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर अधिकारियों से ये कहना कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, पीएम मोदी का दुख बयान करता है। साथ ही पंजाब की कांग्रेस सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर तंज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर रैली रद्द हो गई है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक के कारण फिरोजपुर की रैली रद्द हो गई। एमएचए ने अपने बयान में कहा कि 5 जनवरी को पीएम मोदी का विमान भटिंडा में लैंड हुआ, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था। बारिश और विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें मौसम के ठीक होने के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। वहां उन्हें राष्ट्रीय शहीदी स्मारक में बलिदानी क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो निर्णय लिया गया कि सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री हुसैनीवाला तक का सफर तय करेंगे। जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पता चला कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम करके रखा हुआ है। लगभग 15-20 मिनट तक पीएम मोदी वहां फंसे रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है, क्योंकि पीएम मोदी किस रूट से जाएंगे ये राज्य सरकार और पंजाब पुलिस को ही पता था। पंजाब की कांग्रेस सरकार को पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और उनके कार्यक्रमों की जानकारी दे दी गई थी। एमएचए ने बताया कि सड़क मार्ग पर सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने जरूरी प्रबंध नहीं किए, अतिरिक्त बल तैनात नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक चिंता बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ठीक कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने पंजाब पहुंचे पीएम मोदी के कार्यक्रम में बाधा पैदा किया जाना व्यथित करने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन उठाने या फिर मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया।